ये पिक्चर में न्यू कमर्स है कम्प्लीटली, तो प्रेशर ज़्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि एक ऑडियंस को पिक्चर थिएटर में लाने के लिए और उसे आकर्षित करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता है कि फिल्म जो होती है कन्विक्शन से बनाती है। मैंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई है, मैंने कभी ये देखा नहीं कि कभी स्टार भी रहे कभी स्टार नहीं भी रहे, ऐसी इस तरह का मैंने जर्नी मेंटेन किया हुआ है। चांदनी बार से लेकर कैलेंडर गर्ल्स तक की जर्नी हमेशा ऐसी रही है। तो फिल्म जो है, मैंने हमेशा कहा कि मैं कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाता हूँ कि मधुर का एक सिनेमा, एक ब्रांड, एक जो लोग सिनेमा देखना चाहते हैं, जो सच्चाई रियलिटी है, वही आपको देखने मिलेगा, जैसी मेरी अन्य फिल्म में आपको देखने मिला है। आजकल हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में काफ़ी बन रही हैं, आप ये पांच पांच हीरोइनों के लेकर क्या प्रयोग करना चाहते हैं? देखिए, प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। अभी इशू होता है, टॉपिक होता है, कैलेंडर गर्ल्स एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू, मेरे ख्याल से किसी ने हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्में बनाई नहीं है कि कैलेंडर गर्ल्स के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं, एक हवा है उसका, एक हमेशा लोग कैलेंडर्स की बात करते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए कि कैलेंडर गर्ल्स की जो ज़िंदगी है वो एक साल की है, वो एक साल के बाद वो लड़कियां जाती कहाँ हैं, क्या होता उनके साथ, किस तरह से एक उनकी जर्नी का जो टेन्योर होता है एक साल का होता है और कहाँ जाते हैं, वो जो ज़रूरी होता है, तो मुझे लगा ये एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैंने है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को पकड़ा है, पांच लड़कियों के साथ जो इशू है। कहीं मैंने, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो बहुत ही रियल है, 75% रियल फिल्म है और इस पर रिसर्च गया है, मैं, मेरे राइटर्स, तमाम लोगों ने मिल के इसे रिसर्च किया, लोगों से इंटरेक्शन किया है, उसके बाद जाके ये फिल्म का जो है पूरा इसका निर्माण हुआ है। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज राज। आई लाइक टू आस्क माधुर जी दैट इन पांच कैलेंडर गर्ल्स में आपकी फेवरेट कौन है और क्यों? देखिए, मेरे लिए तो जैसे बोलते, मेरी पांच उंगलियां तो सब एक समान है, मैं अभी ये बोल नहीं सकता ये उंगली अच्छी है। आप जब पिक्चर देखोगे तब आपको लगेगा कि वाकई में ये लड़कियों ने अपना किरदार, मैंने आज आप इनको इनके नाम से जानते हो, लेकिन जब पिक्चर रिलीज होने के बाद आप इनके किरदार से जानोगे, इनके कैरेक्टर के बारे में आप जानोगे, तब आपको लगेगा इतने जस्टिफिकेशन हुआ है। क्योंकि जो लड़की ने अपने हर कैरेक्टर को इतना अच्छी तरह से निभाया है, क्योंकि ये फिल्म केवल ना बिकनी है, ना केवल ग्लैमरस दिखना है, बल्कि परफॉर्मेंस है। क्योंकि मेरी हमेशा फिल्में रही है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रही है, कहीं भी जाके मैंने उस तरह की फिल्में नहीं बनाई है, और हमेशा ही परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व दिया है। तो जब आप पिक्चर देखोगे आप भूल जाओगे कि उस गाने में कि लड़की ने बिकनी पहनी या ग्लैमरस है। आप इन लड़कियों को, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये याद रखना कि आप इनको अपने कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन, दैट व्हाट विल बी द यूएसपी ऑफ दिस मूवी सिंस देयर इज नो बिग स्टार इन द मूवी? थैंक यू। द यूएसपी ऑफ द मूवी इज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी फिल्म मेकर हैज अटेम्प्टेड दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। सेकेंड यूएसपी ऑफ द फिल्म इज द कंटेंट, द शॉक वैल्यू ऑफ द फिल्म कंप्लीटली। थर्ड द यूएसपी ऑफ द फिल्म इज द सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे मीत ब्रदर्स ने दिया है और अमल मलिक ने दिया है। तो ये तीन चीज़ आपको जो है झिझोड़ेगी, कहीं चीज़ें आपको जब देखने के बाद आपको अद्भुत वे में ले जाएगी कि भाई ये ऐसा हमने देखा है, सुना है पेपरों में। कभी कभी सच्चाई इतनी होती है, मेरे ख्याल से हम दिखाने से परहेज करते, हम उसे नहीं ला सकते स्टेज पे या फिल्म के माध्यम से। जब हम रियल ज़िंदगी में देखते कितनी चीज़ें हो रही है, हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें कुछ लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, सेंसर का ख्याल रखना पड़ता है, और पूरा उस नज़रिए से हमको फिल्म बनानी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज इतना हमको टेंशन होता है कि सेंसर ये ना कर पास करे, ये नहीं करे, उसके बावजूद ही मेरे ख्याल से इस फिल्म को बनाने में संगीता जी का मैं पूरा बहुत ही उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस जज्बे से, उस पैशन से इस फिल्म को फंड किया है और पूरी तरह से उसमें ये रखा है, पूरा पैशन जो रखा है इस पिक्चर को लेकर। मधुर, पिक्चर सेंसर हो चुकी है? हाँ, पिक्चर सेंसर हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, एक दो वर्ड्स के प्रॉब्लम थे जिसको हमने चेंज किया है, और उसके बाद हमने ए सर्टिफिकेट दिया, मैंने कोशिश की इसको यूएस सर्टिफिकेट मिले, ताकि मैं चाहता था कि अपने हिंदुस्तान के युवा वर्ग है जो अपने जितने छात्रा है उस पिक्चर को ज़रूर देखे, लेकिन ये हुआ नहीं, मैं चाहता था। लेकिन सेंसर ने मुझे खुद सलाह दी कि पिक्चर देखने के बाद उनको लगा कि अगर मैं रिवाइजिंग कमेटी तक गया था, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा देखने के बाद उनको लगा कि अगर आप पिक्चर को आप काटोगे तो आप इसकी जो कंटेंट को इसको म्यूटिलेट करोगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आपने फिल्म अच्छी बनाई है तो इसको इस तरह से बरकरार रखे और आप इसको ये सर्टिफिकेट लिए। तो मैंने पूरे नज़र में देखा पिक्चर को,
कि ठीक है कोई बात नहीं, कि और मैंने ये सर्टिफिकेट लिया, लेकिन विदाउट कट्स मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, सेंसर ने कोई काटा नहीं इसमें कुछ। क्वेश्चन संगीता जी, आपने जो प्रोड्यूस किया मूवी, हैव डन प्रोड्यूस द मूवी, हैव यू सीन द ब्रांड मधुर और द स्टोरी? आई हैव सीन बोथ, दोनों चीज़ देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कैलेंडर गर्ल्स के बारे में सोचेंगे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ मधुर अटैच हो जाता है तो उसमें कंटेंट जुड़ जाता है, तो बहुत ज़रूरी था। तो कंटेंट एंड सिनेमा कमिंग टुगेदर एंड रियलिस्टिक सिनेमा इन अ वेरी ग्लैमरस वे, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन एंड मुझे लगता है राइट कॉम्बिनेशन था, इसलिए हमने इसे चुना। It is a lifetime experience and we all know he is our mentor. So we have grown as an actor through this film and I'm really very thankful to Madhurji for choosing me for this character Nazneen, and I'm just looking forward for the more films working with Madhurji in future. A very good evening, ladies and gentlemen. I was very, very excited. Honestly, I was really nervous when I thought I was getting my Bollywood break. But then I'm so grateful to God that my first director is Mr. Madhur Bhandarkar. He's a perfectionist. And the whole experience was a joyride. Pata hi nahi chala ki film kab khatam ho gayi. It was wonderful. Hello, everyone. I think it takes guts to make a film with newcomers. And I think Madhur Bhandarkar has shown that guts by making a film with 5 newcomers. So I'm very thankful. And I've always said this, that Calendar Girls is my first love. It's my first film and I'll always be emotional about it. So thank you, Madhur sir. Thank you for everything. Hi, I'm Shatrupa Payeng. Mr. Madhur Bhandarkar has been mentoring me from day one, first day I met him. He just told me one thing, be what you are. You don't have to be anybody else. You five of you would be my leading heroines. I'm taking a risk. But again, we are representing the women empowerment. And we feel most powerful today, being the, his leading actresses. All the best to all the girls, and thank you, sir, for giving us this opportunity. Madhur. Thank you. Thank you, Shatrupa. Time at fashion. I think that's bygone. I feel more of the high society people may react with it. I feel it will pinch them a lot, the society, I think. So that will be major thing. I think. There will be people, definitely there will be reactions, because all of my films always have been people talk about it. If Chandni Bar or a Page 3 or a corporate from the corporate world or a traffic signal all for calendar. For Bollywood, when I met heroine people, there were people in section of the people who thought ki I went too much into showing the reality of the glamour world. But yeah, this also would be the reaction. I'm looking forward for the reaction also. But one thing is there, okay, this movie, it's a journey, it's an emotional journey about girls. People will connect with it. People, I feel when people can read it, people can watch on television, why we should not show on celluloid? My only concern is that. Celluloid mein dikhate, there are people who react to it. But I think I'm ready for it. I'm always been a fighter and definitely I'll stand by what I make. And will you call it an extension of your previous film, Fashion? No, completely different. Fashion is completely different. Only glamour. Like, I wrote a blog also today. You should read the blog about what I said. There are so many films you can make on the glamour world, on a high society with different stories. Completely. It's nothing to do with fashion at all. Not an iota also. Except, obviously, when you see girls posing or clicking pictures, you feel like that. But there's so many filmmakers who have different, I mean, it's a genre, the same make, but different stories they tell. I think that's so much benefit of doubt you should give me, sir. Hi, Madhur. Thank you. Hi, Madhur. अभी तक की जो फिल्में हैं उसमें जाने जाने पहचाने आर्टिस्ट रहे हैं आपके. इस फिल्म में बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट हैं और जहाँ तक सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल एक यूनिक सब्जेक्ट है. तो इस पे कास्टिंग में आपको कितना मतलब कैसे किया आपने? कास्टिंग में बिगिनिंग में हम लोग ने 2-3 एजेंसी को हमने दिया था कि कास्टिंग के लिए. तो हमने कुछ 40-50 लड़कियां हमने देखी हमको जहाँ पे हमको लगा. फिर मैं मेरे राइटर हम लोग सब मिल के एक हमारी टीम थी प्रोडक्शन वाले. हम लोग डेमोक्रेटिकली उसको चूज़ करते थे बैक किस तरह से हम लोग को चाहिए लड़की कैरेक्टर्स के हिसाब से. और उसके बाद हमने ज़ीरो डाउन किया कुछ 20-30 लड़कियों पे कि हमको लगा. फिर ऑडिशन हुआ.
ऑडिशन के बाद फिल्टर होते होते हुए फिर भी हमने कल्मिनेट किया कि भाई दीज आर द गर्ल्स जो कैरेक्टर्स के लिए, जो हमारे एक्ट्रेस के लिए, जो कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा कि वो आपको जब पिक्चर देखिए आपको लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर है ना कि वो एक्ट्रेस, और जिसके जिसका जिसे ग्लैमरस भी लगे और सेम टाइम परफॉर्मेंस ज़्यादा, क्योंकि 90% पिक्चर में परफॉर्मेंस है, बाकी 10% ग्लैमरस है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ लेकिन अच्छा है एंड ऑफ द रिजल्ट। जब मैं पिक्चर देखता हूँ, इन्होंने खुद ने डबिंग की सब अपनी पहली पिक्चर, कई बार ऐसे होते तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं बाद में डबिंग करते, पहली पिक्चर में डरते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही डबिंग की बहुत अच्छी तरह से, कि मंझे हुए कलाकार की तरह की। थैंक यू। अच्छा मधुर, फिल्म में मार्टिनी क्वीन का जलवा कितना नजर आएगा? मार्टिनी क्वीन का जलवा नजर आएगा, अभी तो शुरुआत है, मैंने बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू एवरीबॉडी। मेरे ख्याल से रिलीज इज 25 सितंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिएटर तो अभी बोल नहीं सकते, मैंने जितनी कैपेसिटी जो अपनी पिक्चर की है, मैंने जो हिसाब से हम लोग को चाहिए उस हिसाब से रिलीज करेंगे, डेफिनेटली 100% अच्छी रिलीज करेंगे, विल हैव अ गुड रिलीज 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबॉडी, क्योंकि हमने ये पेंटिंग देखी नहीं है तो पहले जरा उनसे सोच लें कि वो क्या सोच रही थी ये पेंटिंग बनाते समय। मैं इससे पहले 2 मिनट अंजना जी के बारे में कहना चाहूंगा। अंजना जी और मेरे जो एक दोस्ती उनके साथ है, हमेशा फैमिली रही है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से चांदनी बार के बाद ही उनके साथ हमारी दोस्ती हुई। और ये मुझे याद है, मैं पिक्चर बना रहा था सत्ता में, रवीना टंडन के साथ शूट कर रहा था, और वो मेरे को मिले और बोले कि मैंने चांदनी बार देखी, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, बातचीत हुई हमारी और ऐसी दोस्ती हो गई। उन्होंने उनका एक पेंटिंग एग्जीबिशन था, मैंने अटेंड भी किया था मुंबई में। उसके बाद मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि एक काम करे, मैं पेज 3 फिल्म बना रहा हूँ, पेज 3 सोशलाइट क्यों नहीं बन जाती है, और इनको मैं पकड़ के पेज 3 में इन्होंने एक्टिंग की, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया और इनको काफ़ी वहाँ पे ये मिला। और उसके बाद इन्होंने बिपाशा बासु कॉर्पोरेट के लिए इन्होंने पेंट किया, फैशन के लिए प्रियंका कंगना मुग्धा तीनों को पेंट किया, और उसके बाद कैलेंडर गर्ल्स के लिए जब उन्होंने कहा कि मधुरी कॉन्सेप्ट अच्छा है मैं करना चाहूँगी, मैंने अंजना जी मैं आपको रोक सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है। And she has always been kind and always been great honor to see her lovely paintings, interact with her. जबी भी दिल्ली जाते हम, और बहुत दिल से और बहुत passion से अपना काम करती है। अंजनी जी, thank you so much to associate with us once again. Thank you.